इंडिया गठबंधन की बैठक पर बीजेपी का जबरदस्त हमला, नियत पर उठाए सवाल। संबित पात्रा ने कहा बैठक में परिवारवाद पर जोर, लालू यादव और सोनिया गांधी इसी पर करेंगे चिंतन। गमंडिया मीटिंग होने वाली है, उसका दूसरा उद्देश्य है कॉमन मैक्सिमम परिवारवाद। सीएमपी का अर्थ कॉमन मैक्सिमम परिवारवाद, लालू जी का परिवार कैसे आगे बढ़े। आपको पोस्टर गांधी परिवार की तस्वीरों के साथ कांग्रेस पर निशाना। सीपीआई नेता डी राजा ने कहा इंडिया गठबंधन से परेशान है प्रधानमंत्री। मुंबई में आज विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक, 28 दलों के 63 नेता मीटिंग में ले रहे हैं हिस्सा। आज और कल दो दिन चलने वाली है बैठक। बैठक में विपक्ष तय करेगा इंडिया का चुनाव चिन्ह। मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक से पहले पोस्टर वॉर, कांग्रेस और आप के दिखे अलग अलग पोस्टर। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक से ठीक पहले सामने आए प्रधानमंत्री पद के 5 दावेदार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, नीतीश और केजरीवाल के लोगों के अपने अपने दावे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे बोले हमारे पास प्रधानमंत्री पद के लिए बहुत सारे विकल्प है, लेकिन बीजेपी के पास मोदी के अलावा कौन है। इंडिया गठबंधन की बैठक लिए मुंबई पहुंची ममता बनर्जी, शिवसेना और कांग्रेस के नेताओं ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। इंडिया की बैठक के लिए मुंबई पहुंची ममता बनर्जी को रिसीव करने पहुंचे आदित्य ठाकरे, शिवसेना यूबीडी के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया ममता का स्वागत। मुंबई में उद्धव ठाकरे से मुलाकात के लिए मातोश्री पहुंची ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की सीएम ने शिवसेना सुप्रीमो को बांधी रखी। उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा लोकसभा चुनाव में खेला होगा, बहुत सारी सीटें आएंगी। उद्धव ठाकरे और शरद पवार का मोदी सरकार पर साझा प्रहार, कहा इंडिया गठबंधन के दबाव में घटाने पड़ रहे हैं एलपीजी सिलेंडर के दाम। बीएसपी प्रमुख मायावती का बड़ा ऐलान, एनडीए और इंडिया दोनों में से किसी के साथ नहीं करेंगे चुनावी गठबंधन। मायावती पर बरसी कांग्रेस, कहा दलित नहीं दौलत की बेटी है मायावती। मायावती के स्वागत बोले रामदास आठवले, कहा अगर एनडीए में मायावती आती है तो स्वागत होगा। थाने के डोंबिवली में मंत्री रविन्द्र चौहान और राखी बांधे पहुंची महिलाएं, मंत्री ने बहनों को दी सुरक्षा की गारंटी। अकाली दल ने भी इंडिया गठबंधन से बनाई दूरी, स्वतंत्र चुनाव लड़ने की घोषणा की। मुंबई में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने अमिताभ बच्चन को भी राखी बांधी, बिग बी के लिए भी की भारत रत्न की मांग। बीजेपी ने राहुल प्रियंका पर किया ट्वीट, कांग्रेस में राहुल और प्रियंका में छिड़ी है वर्चस्व की जंग, मां ने पकड़ा बेटे का हाथ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बीजेपी के ट्वीट पर पलटवार, लिखा बीजेपी वालों महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में यही बकवास मुद्दा बचा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया बीजेपी वाले घबराओ मत, आपके झूठ लूट और खोखले प्रचार के अहंकार को हम दोनों भाई बहन देश के करोड़ों भाई बहनों के साथ मिलकर तोड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनाव को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा सरकार तैयार, पंचायत चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव। दिल्ली में अमेजॉन मैनेजर हत्याकांड में बड़ी कामयाबी, मुख्य आरोपी समीर उर्फ माया गिरफ्तार। खुद को माया भाई कहता था समीर, दोस्तों के ग्रुप को कहता था माया गैंग। समीर ने इंस्टाग्राम पर लिखा नाम बदनाम पता कब्रिस्तान, उम्र जीने की शौक मरने का। मृतक हरप्रीत गिल अमेजॉन के सीनियर मैनेजर, घायल गोविंद सिंह का अस्पताल में चल रहा इलाज। आमने सामने दोनों की बाइक, साइड देने को लेकर झगड़ा, समीर ने दोनों को नजदीक से मारी गोली। पहले गिरफ्तार हो चुका था बिलाल, रात 2 बजे सिग्नेचर ब्रिज के पास पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वजह रोड रेज, पकड़े गए आरोपी का नाम है बिलाल उर्फ बालू। पुलिस के मुताबिक 2022 में बिलाल के खिलाफ दर्ज हुआ था कत्ल का मामला, स्कूटी लूटने का आरोप। 29 अगस्त को 4 दोस्तों के साथ निकला था बिलाल, दोस्तों के नाम है समीर उर्फ माया, सुहेल उर्फ बावर्ची, मोहम्मद जुनैद उर्फ बिरयानी और अदनान। इंदौर में चाकूबाजी करने वाला बदमाश का पुलिस ने निकाला जुलूस, कराई उठक बैठक। बीएचयू में पत्रकारिता विभाग की विभाग के अध्यक्ष ने दर्ज कराई शिकायत, अपने विभाग के 2 प्रोफेसर के खिलाफ मारपीट और छेड़खानी का केस दर्ज। दलित महिला प्रोफेसर के मुताबिक 22 अगस्त 2023 का मामला, चेंबर में आकर दी गई धमकी। विभाग अध्यक्ष पद से हटाने को लेकर बदसलूकी, दोनों प्रोफेसर के साथ 2 छात्र भी आए थे साथ। आरोपियों में सवर्ण सुमन, अमिता कुमारी, अंकित पांडे और प्रिंस पांडे का नाम। पीड़ित के मुताबिक चीख पुकार के बाद लोगों ने किया बीच बचाव। पुलिस ने चारों के खिलाफ एससी एसटी एक्ट के तहत अन्य धाराओं में केस दर्ज, लंका थाना में एफआईआर। यूपी के बाराबंकी में अशरफ इस्लामिया इंटर कॉलेज के 2 शिक्षकों पर केस, छात्रा को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप। 4 अगस्त को छात्रा ने लगाई थी फांसी, 25 दिन तक केस दर्ज नहीं, इस बीच से शिकायत पर मामला दर्ज।
फी की रसीद कम देने की शिकायत पर टीचर ने जाति को लेकर की थी टिप्पणी। पीड़ित की मां ने कहा हादसे के बाद वहीं पढ़ रही दूसरी बेटी भी खौफ में। मुजफ्फरनगर स्कूल में पिटाई के मामले में ओवैसी ने कहा बच्चे के पिता ने कहा है माहौल खराब नहीं करने की हिदायत, इसलिए नहीं गया था पुलिस। गिरिडीह के डुमरी में ओवैसी की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने के बाद बवाल, FIR दर्ज। जैसलमेर की पोखरण रेंज में भारतीय सेना ने दिखाई ताकत, रेत के गुब्बार के बीच आग उगलते नजर आई टैंक। भारत निर्मित हथियार का दम देखने मौजूद थे ब्राजील के कमांडर जनरल टॉमस माइन रिबेरो भारत के हथियारों की क्षमता देखकर रह गए दंग। सैन्य ड्रिल में देश में बने सारत BMP गन टैंक का भी सेना के जवानों ने सफल परीक्षण किया। AHL हेलीकॉप्टर ध्रुव से दाखिल गई मिसाइलें, दुश्मन के ठिकाने को किया गया ध्वस्त। इस पूरी ड्रिल का मकसद संयुक्त हथियार फायरिंग की नुमाइश करना था, लक्ष्य एक ऐसी युद्ध एक्सरसाइज जिसमें दुश्मन के पास कोई मौका ना बचे। हापुड़ में हुई घटना को लेकर झांसी के वकीलों का रोष, जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। यूपी बार काउंसिल ने हापुड़ की घटना पर सीएम योगी को लिखा खत, बार काउंसिल के उपाध्यक्ष अनुराग पांडे ने पूछा आरोपियों पर कब सरकार चलाएगी बुलडोजर। हाथरस में नशे में धुत शिक्षकों की गाड़ी गलौज कर मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। कौशाम्बी में गंगा नदी नहाने गए दो लड़कों की गहरे पानी में डूबने से मौत, तलाश जारी, घर में छाया है मातम। ट्रेन में गंभीर स्थिति में मिली महिला हेड कांस्टेबल, ट्रेन से उतारकर लखनऊ किया गया रेफर, सुल्तानपुर में थी तैनात। बिहार के मोतिहारी में कई गांव बाढ़ की चपेट में, गांव के लोग बांध बचाने की कोशिश में जुटे। बिहार के भागलपुर में कोसी का कहर, नदी की कटान की वजह से कई घर पानी की चपेट में। मोरीगांव में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी घरों में घुसा, हजारों लोग बाढ़ के पानी से प्रभावित। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र गोंडा का सीएम योगी ने किया दौरा, लोगों में बांटी राहत सामग्री। बाराबंकी में बोले सीएम योगी, सीएम ने कहा बाढ़ आपदा अगर 15 दिन से ज्यादा है तो बाढ़ पीड़ितों को दो बार राशन किट दी जाए।